शिवानी का तांडव। शिवानी की भक्ति। शिवानी की आराधना। आया नाग पंचमी का त्योहार, शिवानी पहुंची स्वर्णा मंदिर के द्वार। सीरियल नेम की मुखिया में गजवा वाली के किरदार से फेमस होने वाली शिवानी चक्रवर्ती आज सास बहू और बेटियां संग नाग पंचमी के त्योहार के मौके पर पहुंच गई है मुंबई के पवई में स्थित स्वर्णा मंदिर, नाग देवी देवताओं के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने। नाग देवी के लिए अपने हाथों से बनाई फूलों की माला, चखा वहां का महाप्रसाद और कराई स्वर्णा मंदिर की सैर और साथ ही जाना इस मंदिर का इतिहास भी। तो आइए शिवानी संग चलते हैं स्वर्णा मंदिर करने नाग पंचमी की पूजा और जानने इस मंदिर का इतिहास। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवानी चक्रवर्ती और मैं आज आ गई हूँ सास बहू और बेटी के साथ स्वर्ण टेंपल में, जो कि मुंबई में स्थित है। और ये एक ही मंदिर है जो यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है, और नाग पंचमी का माहौल है तो क्यों ना हम नाग देवता की पूजा करें। तो मैं आज यहाँ आई हूँ उनका अभिषेक करने, उनकी पूजा करने। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ और ये अवसर मुझे आप लोगों ने दिया है, तो थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। तो चलिए हम चलते हैं। तो मंदिर में जाने के पहले शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे पहले हाथ धो लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा पूजा की थाली, क्योंकि अंदर जाके हमें पूजा अर्चना करनी है, तो पूजा की थाली इज़ मस्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ अर्पित होता है नाग देव को, क्योंकि ये भी मैं इस यहाँ पे मैं पहली बार कर रही हूँ। अपने होम टाउन में तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ नियम है, हम पहले वो जानते हैं और उसी के साथ अंदर चलते हैं। थाली आ चुकी है जिसमें मैं देख रही हूँ एक श्रृंगार का पैकेट है और एक आई गेस ये चढ़ावा है, ये कपड़ा है सुंदर सा, और फूल माला, नारियल श्रीफल और फल। तो अब हम इसके साथ चलेंगे अंदर, अब देखते हैं कि पूजा की विधि कैसे होती है। आई अपने आप को शुद्ध करके और हाथ में पूजा की थाली लिए शिवानी चल पड़ी नाग देवता की भक्ति में लीन होने। एक एक कर उन्होंने मंदिर के कोने कोने में जाकर लिए सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आने के साथ ही एक एम्बियंस देख रही हूँ जो कि बहुत अच्छी और बहुत सूदिंग, एक अलग ही वाइब्स है, एक अलग ही डिविनिटी लग रही है यहाँ पे। तो हमारे साथ हमारे पंडित जी हैं और मतलब मन में बहुत उत्सुकता हो रही है कि क्या सब हो रहा है और यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल्स है, कैसे ये मंदिर बना, कब स्थापित हुआ, कौन थे इनके गुरु, कौन क्या इसकी कहानी है, थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में हमें बताइए। नमस्कार। नमस्कार, आप सबको बताना चाहेंगे ये जो मंदिर है पवई सुवर्णा टेम्पल जो पंचकुटीर में स्थित है। अच्छा। ये मंदिर 1952 में स्थापित किया गया है। हमारे जो मेन बाबा है, हमारे गुरुजी श्री 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 सुवर्णा बाबा, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे ये जगह देखिए, यहाँ पे नाग देवी का मंदिर स्थापित किए। अच्छा।
नागदेवी मंदिर स्थापित किया। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि ये मैंगलोरियन लाइक मैंगलोर जो है कर्नाटक का दक्षिण कल्चर, दक्षिण कर्नाटक का, दक्षिण कर्नाटक का कल्चर यहाँ पे फॉलो होता है। ओके, सो कल्चर बेस में यहाँ पे हर एक धर्म का हर एक चीज़ की पूजा की जाती है। अच्छा। यहाँ ये जो है हमारा ये नाग भगवान का मंदिर है, ये मंदिर जो है कुकी सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम कुकी टेम्पल जो है इनके जो मेन है। अगर आप देखो जाओगे तो मैंगलोर में एक मेन मंदिर है, तो वहाँ से नाग भगवान को बोलकर हमारे श्री सुवर्णा बाबा प्रार्थना करके वहाँ पे मैंगलोर में जाके वहाँ से लाके यहाँ पे प्रतिष्ठा किया जी। तो जैसे कि हमें पता चला है कि स्वर्ण बाबा जब यहाँ आए थे उन्होंने नाग मंदिर के बाद, नाग देवी मंदिर के बाद नाग बाबा की स्थापना की है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और उनकी जो उनकी जो विचार थे वो भी बहुत अच्छे थे हमने सुना पंडित जी से। तो अब हम चलते हैं, यहाँ दर्शन हो गए, आप सभी को नागपंचमी की बधाई, और अब हम चलेंगे देवी, नाग देवी के मंदिर। तो मैं आ चुकी हूँ अभी रक्तेश्वरी अम्मा के मंदिर में। यहाँ की भी एक बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छी विधि है जो कि इस मंदिर में की जाती है। ट्यूसडे, मंगलवार और शुक्रवार को माँ की पूजा की जाती है, और महीने में जो अमावस आती है उसमें इनकी बड़ी पूजा की जाती है। और कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ पे आप जो कुछ भी दिल से मांगेंगे माँ वो आपकी बिल्कुल मनोकामना पूरा करेगी। तो मैं भी आज आप सभी के लिए यहाँ कामना करती हूँ कि सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय माता दी। तो मैं आ चुकी हूँ नाग देवी मंदिर में। ये है नाग देवी, अभी हमने इनकी कहानी सुनी थी, जैसे कि स्वर्ण बाबा ने इनके बाद ही यहाँ पे नाग देवता की स्थापना की थी, और आज बहुत बड़ी पूजा भी है, तो मैं भी ये पूजा करना चाहूँगी। चलिए। ये है नवग्रह भगवान, सारे नवग्रह है, और यहाँ पे एवरी सैटरडे भी पूजा होती है, मंत्र होता है, जाप होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में ग्रह का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ग्रह का हर कुछ ग्रह से ही रिलेटेड होता है हमारी लाइफ में, और मैं तो बहुत मानती हूँ ग्रह को। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे सारे ग्रह जो हैं, सारे ग्रह के देव जो हैं वो हम पे प्रसन्न रहे और बैलेंस रखे लाइफ को, यही प्रे करूँगी, और सारे ग्रह खुश रहे हमसे। मंदिर की सैर तो हो गई, सभी देवतागणों का आशीर्वाद भी ले लिया, अब बारी है पंडित जी का आशीर्वाद लेने की, जिनका आशीर्वाद लेकर शिवानी ने एक पुण्य कमा लिया। तभी शिवानी की नजर पड़ी वहाँ पर बनी रंगोली पर, जिसे देखकर शिवानी हो गई मंत्रमुग्ध। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने आते से आपको कहा था कि एम्बियंस बहुत अच्छा है आज, क्योंकि नागपंचमी का त्यौहार है। तो हम देख सकते हैं ये रंगोली, देखिए आप, बहुत ही सुंदर रंगोली है नागदेव की,
और ये पूजा की गई है नागदेव की और बहुत अद्भुत है। मतलब इसे डिफाइन करना वर्ड्स में बहुत कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें मेहनत कितनी है, डिवोशन कितना है। मतलब अभी भी आज की तारीख में भी लोग इतना स्पिरिचुअल हैं, मानते हैं सबको, कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम रियली वेरी लकी टू बी हियर। और ये भी है, ये देवी माँ की रंगोली है, ये भी पूजा हुई है। और अभी आज यहाँ पे 108 नाम का दुर्गा नमस्कारा पूजा हुआ है, हवन हुई है। तो यहाँ पे 108 बार दुर्गा माँ की स्तुति की जाती है और हवन किया जाता है। ये वो कुंड है, इसका आशीर्वाद हमें भी लेना चाहिए। अब बारी है एक और पुण्य कमाने की। जरा देखिए कैसे शिवानी वहाँ पर मौजूद महिला मंडली में शामिल हो गई नाग देवी के लिए फूलों की माला बनाने में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या चल रहा है। वाह, यहाँ पे फूल वगैरह माला बन रही है, तोरण बन रहा है, सेवा हो रही है। तो भगवान है और टेंपल है, पूजा है, और फूल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई उत्सव बिना फूल के हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा हाथ बटाने की कोशिश करती हूँ और दो फूल हमारे नाम से ही चले जाएँ भगवान के पास, और क्या चाहिए। सो यही माहौल है अभी। माता ने बुलाया है, देवी माँ ने बुलाया है, नाग देवी ने बुलाया है, और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। इन लोगों को देख के और एक वो आ गया है, जोश आ गया है कि हाँ, कि दर्शन के लिए सब पूजा पाठ हो रही है। और ये सब माहौल है ना, बहुत कम देखने मिलता है, और मुंबई में स्पेशली देखने को मिल रहा है। तो आई एम सो हैप्पी, ये मेरा फेवरेट जोन है एक्चुअली, दर्शन पूजा पाठ करना। ऑल दो मैं आई एम इन टू अ ग्लैमर वर्ल्ड, बट स्टिल आई बिलीव इन माई रूट्स, पूजा पाठ होना चाहिए। भगवान की चरण को हमेशा पकड़ के रखिए। ऐसे ही खुशी खुशी देखिए, इन लोग भी निस्वार्थ पूजा कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। पुण्य कमाने के साथ साथ भगवान को खुश रखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए कैसे शिवानी ने नाग देवी को खुश करने के लिए किया तांडव। और साथ ही उनके आशीर्वाद के रूप में चखा वहां का महाप्रसाद भी। दर्शन करने के बाद बारी आती है प्रसाद की, अन्न की। तो यहाँ पे प्रसाद को अन्नदान कहा जाता है, और देखिए किस तरह से कितनी मात्रा में बनता है ताकि सब भक्तों को मिले, और आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी होगा। ये प्रसाद है और बहुत अमूल्य है, काफ़ी मेहनत से बनाई है। और ये दर्शन करने के बाद माता जी का प्रसाद है, सब दर्शन करने के बाद सारे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के साथ नाग पंचमी के त्योहार के मौके पर नाग देवता की श्रद्धा कर शिवानी ने अपने दिन को बनाया बहुत ही खास। सास बहू और बेटियां की तरफ से सभी दर्शकों को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। तो मैंने तो बहुत अच्छे दर्शन कर लिए हैं पूरे मंदिर के, और नाग देवी के, नाग बाबा के, और स्वर्ण बाबा के स्वयं। तो आके यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना, कोई भी मंदिर में आके आपको एक जो पीस मिलता है, जो एक खुशी मिलती है ना, वो आप खुद जाके अनुभव कीजिए। और आज इतना अच्छा दिन है, इतना शुभ दिन है, नाग पंचमी है, आप लोग भी स्वर्ण नाग टेम्पल आइए, आशीर्वाद लीजिए, बाबा स्वर्ण बाबा का आशीर्वाद लीजिए, देवी माँ का आशीर्वाद लीजिए, और सारी मनोकामना जो यहाँ बोलिए, और खूब खुश रहिए और नाग पंचमी मनाइए। सास बहू और बेटी यहाँ के सभी दर्शकों को शुभ नाग पंचमी, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।